नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। अभी अभी भाजपा को बुरा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। सिक्किम बीजेपी के उपाध्यक्ष एसबी कार्की और सचिव लातेन सेरिंग शेरपा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों नेता पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। सिक्किम में बीजेपी के लिए ये दोनों नेता काफी अहम माने जा रहे थे, क्योंकि दोनों की पार्टी के लिए अहम भूमिका निभा चुके हैं। राज्य में शेरपा की गिनती पुराने नेताओं में होती रही है। वहीं दोस्तों, बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं पर बरसे शशि थरूर। शेरपा पिछले 16 साल से बीजेपी में थे और 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। इतना ही नहीं, वो सिक्किम बीजेपी युवा मोर्चा के प्रभारी भी थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव से पहले सिक्किम में भगवा पार्टी के लिए ये तगड़ा झटका माना जा रहा है। इन दो नेताओं ने ऐसे समय में पार्टी से इस्तीफा दिया है जब पार्टी अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए जनता के बीच जाने की तैयारी में है। इन दोनों नेताओं के इस्तीफे के बाद सिक्किम में बीजेपी की संगठनात्मक स्थिति कमजोर होती दिख रही है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सिक्किम से दो बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। ये दोनों कद्दावर नेता थे जिन्होंने दोस्तों आज पद से इस्तीफा दे दिया है। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। और इन्होंने इस्तीफा ऐसे समय में दिया है जब आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले दोस्तों ये बीजेपी को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी। इस समय सियासत में भूचाल आया हुआ है। कभी दोस्तों कांग्रेस के नेता इस्तीफा दे रहे हैं और अब दोस्तों यहां बीजेपी के नेताओं ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब